पन्ना जिले के कलदा में जन स्वास्थ्य और कल्याण शिविर लगाया गया। शिविर में आंख, नाक, गला और कुपोषित बच्चों की जांच की गई थी। स्वास्थ्य शिविर में हृदय और हड्डी विशेषज्ञों द्वारा जांच भी की गई। दिल्ली, भोपाल, जबलपुर और पन्ना से डॉक्टरों की टीम यहां पहुंची। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टर भी आए थे। शिविर में जरूरतमंदों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए गए। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और बैसाखी दी गई। पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड, विधवा वृद्धावस्था पेंशन और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए शिविर लगाया गया। पन्ना के मानस भवन ट्रस्ट और सुदर्शन छात्रावास के सौजन्य से यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक प्रवीण, कलेक्टर संजय मिश्र और पन्ना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर प्रताप सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। ये आज कल्ला पठार में ऐसे आयोजनों की जरूरत थी। शिविर के माध्यमों से एक जागरूकता आएगी और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी, जो यहाँ वहाँ भटकते थे, कुछ समस्याएं सुनी जाएंगी, जो निदान होने वाली है, कुछ अभी होगी, कुछ बाद में होगी। और ऐसे यहाँ पर एक दो दो तीन तीन महीने में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे हमारे इस कलदा पहाड़ के लोग परेशानी का सामना ना उनको करना पड़े। डॉक्टर नहीं है यहाँ तो ये भी बात निकल के सामने आ रही, तो क्या बात जी? बिल्कुल सही है। इसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दे चुका हूँ। अपना पवई विधानसभा में कई बार मैं लिखता हूँ, कलदा, मोहनरा, सिमरिया, हरदुआ जी, पवई विधानसभा में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे डॉक्टर नहीं है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक पत्र लिख के दे चुका हूँ और मैंने एक दिन CMHO साहब से भी बात की थी। मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूँ और कलदा के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसकी हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे। इस क्षेत्र में विकलांगों को काफ़ी समस्या थी, जिसमें आँख के और पैर के विकलांग ज्यादा यहाँ थे। उसका जांच हम लोगों ने 1 महीने, जो भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इस कलदा क्षेत्र की जनता को किसी को भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसा आग्रह है कि उनको इसकी जो समस्या है उस काउंटर में लेके जाएं और इस काउंटर में यदि कहीं से भी कोई गड़बड़ी है तो वो यहाँ आगे मंच पर बताएंगे। जो भी कार्यकर्ता है, अगर इनको किसी भी व्यक्ति को परेशान, कलदा की जनता को परेशान नहीं होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड में जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जिले की टीम पूरी यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे SDM, तहसीलदार, जनपद पंचायत, एडिशनल CEO जिला पंचायत, ये जितने भी शिकायतें हैं हम उसको उसका पंजीयन कर रहे हैं। अगले 15 दिन में दोबारा हमारे अधिकारी इन लोग फिर आएंगे और 3 महीने के अंदर जितने भी समस्याएं यहाँ पे इस क्षेत्र की आज यहाँ पंजीकृत हुई हैं उनका हम लोग सब इससे निराकरण कर रहे हैं। संज्ञान में लिया गया है, उसका विज्ञापन हमको दिया है लोगों ने। हम लोग उचित क्या व्यवस्था होगी, डॉक्टर की अगर रेगुलर व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो हम लोग किसी अस्पताल से डॉक्टर को कम से कम सप्ताह में 2 या। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।